दो फरिश्ते थे, सफर कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा, चलो कहीं आराम करते हैं। तो वो एक अमीर आदमी के घर पर रुक गए। पूरा परिवार था, उन सब का व्यवहार बड़ा ही रूखा सूखा लगा उन्हें। इतना बड़ा घर था, पर सबसे छोटा कमरा दिया उन फरिश्तों को। उसकी फर्श भी बहुत कड़क थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी, और ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं दी थी। अब दोनों में से जो बड़ा फरिश्ता था, उसने दीवार में जो बड़ा छेद था, उसे बंद कर दिया। तो छोटा फरिश्ता देखता रह गया और बोले, इन्होंने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की और तुम इनकी मदद कर रहे हो। तो बड़े फरिश्ते ने जवाब दिया, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। अगले दिन आगे बढ़े और एक शाम को एक गरीब इंसान के यहाँ रुक गए। वो एक किसान था और किसान के साथ उसकी पत्नी थी। दोनों ने ही अपना बिस्तर उन फरिश्तों को सोने के लिए दे दिया और खुद बाहर ठंड में सो गए। पर अब अगली सुबह इन फरिश्तों को नींद खुली तो ये किसान जोर जोर से रो रहा था। देखा तो उसकी इकलौती गाय एक जगह पड़ी हुई थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। किसान फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे पास खेती बाड़ी और सिर्फ ये गाय थी जो मुझसे छिन गई। तब छोटा फरिश्ता बड़े फरिश्ते की तरफ देखता रहा और बोला, मैं आपके रहते हुए कुछ नहीं कर सकता था, पर आपने क्या किया? आपने इस किसान की मदद तक नहीं की, उसकी इकलौती गाय को नहीं बची और वहां उस अमीर इंसान की दीवार थी ठीक कर रहे थे। फरिश्ते ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, जो दिखता है वो वैसा होता है नहीं। रहा इस किसान का सवाल, तो मैं कल देर रात तक जगा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा कि मौत का सौदागर जब किसान की जान लेने आया तो मैंने उसे मजबूर कर दिया, उसके बदले गाय की जान लेने को कहा। जहां तक उस अमीर इंसान की दीवार ठीक करने की बात है, मैंने तुमको बता दूं, मैंने दीवार पार देख लिया था उस बड़े छेद के जरिए। उसने सारा धन सारी संपत्ति दीवार के पीछे छुपा रखी थी और छोटा सा चिन्ह छोड़ा था, जो छोटा सा छेद था वो मैंने बंद कर दिया था, और अब ढूंढता रहेगा अपनी संपत्ति, नहीं तो तोड़ देगा अपना सारा घर। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में हमें दो पहलू दिखाई दिए। कभी कभी चीजें अपने विरुद्ध दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती। जहां तक इस कहानी का सवाल है, इंसान को बेहतरीन बनने की कोशिश तो करनी चाहिए। बेहतरीन इंसान सिर्फ अपने प्रेम से और अपने कर्मों से जाना जाता है, बाकी अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी होती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और एक छोटी सी सीख भी आपको इससे मिली होगी। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ये सीख कैसी लगी। धन्यवाद।